सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल। और गाइस क्या हाल है सबके। सो गाइस आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपना एक गेम बॉक्स का रिव्यू दिया था, जो कि मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से खरीद के लाया था एक ऑनलाइन मार्केट से। और इस गेम बॉक्स की जो खासियत है वो सिर्फ गेमिंग करवानी नहीं है, क्योंकि आपको गेमिंग करवा के मैंने दिखाई दिया था कि कितनी बढ़िया बढ़िया गेमिंग ये करवा देता है, और काफ़ी गेम्स ऐसे भी है जो ये बढ़िया तरीके से प्ले नहीं कर पाता। जी हाँ गाइस, ये इस गेम बॉक्स की बात है, मगर गेमिंग के साथ साथ ये एक और काम कर सकता है जो कि काफ़ी बढ़िया फंक्शन है इसके अंदर, और इसके बारे में एक कमेंट भी आया था मेरे चैनल पे। तो वो चीज़ है कि मतलब आपके अगर पास कोई सिंपल टीवी है ना जो कि एंड्रॉयड नहीं है, उसको ये एंड्रॉयड टीवी बना सकता है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे गेम बॉक्स एंड एंड्रॉयड टीवी। जी हाँ गाइस, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो गेमिंग के साथ साथ ना एक जो एंड्रॉयड टीवी नहीं है उसको एंड्रॉयड में भी बदल सकता है। वो कैसे, वो एक बंदा जानना चाहता है, तो चलिए अब हम वीडियो बनाते हैं उसी भाई के लिए, और मैं बताता हूँ आज के किस तरीके से इस G5 गेम बॉक्स का इस्तेमाल करके आप सिंपल टीवी को एंड्रॉइड टीवी में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू के। सो गाइस, अब सिंपल टीवी को एंड्रॉइड बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो हमें बॉक्स में इसकी एसेसरी मिलती है बॉक्स के अंदर, वो होता है एक HDMI केबल जो कि पहले से ही मेरे टीवी से कनेक्ट है, और मेरा टीवी पहले से एंड्रॉइड है, पहले बता दूँ, पर मैं इसके फंक्शन से इसको एंड्रॉइड बना के दिखाऊंगा गेम बॉक्स के। और एक एडाप्टर चाहिए जो कि अपनी एसेसरी का ये एक हिस्सा है। तो चलिए इन्हें कनेक्ट करते हैं अपने गेम बॉक्स से और दिखाता हूँ उसके बाद में आगे का प्रोसेस। और आप लोग देख ही सकते हो कि इसकी जो एसेसरीज है वो कनेक्ट हो चुके हैं इससे, और ये भी लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई कंट्रोलर है ये रिसीवर, ये गेमिंग के टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है एंड्रॉइड टीवी के टाइम पे, तो आप हम देखा भी कर सकते हैं इसको। और आप लोग देख सकते हो कि अब ये ऑन हो चुका है और ये अपने एंड्रॉइड टीवी से कनेक्ट है। तो चलिए अब इसको हम एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट करते हैं काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी बढ़िया तरीके से। अगले स्टेप पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अपना ये एंड्रॉइड टीवी का जो मतलब जो आपके टीवी का रिमोट है ना उसको ले लेना सिंपली, और इनपुट जो होते हैं इसको ऑन कर लेना है, और HDMI 2 में आ जाना सीधा, मतलब जिसमें भी आपका ये कनेक्ट हो। HDMI होना जरूरी है आपके टीवी में, भले वो एंड्रॉइड हो ना हो। सो गाइस, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जो कि अपना गेमिंग पेज है, तो आप इसको ना हमें एंड्रॉइड टीवी के पेज पे ले जाना। वो किस तरीके से ले जाना चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, आपको अपना एक कोई सा भी कंट्रोलर ले लेना है गेमिंग वाला, और उसको ऑन कर देना है यहाँ से। ओके, आप देख सकते हो अब लाइट आ गई होगी इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से, इसका मतलब ये ऑन है। सो गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, अब ये जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे एक सेलेक्ट बटन और एक स्टार्ट बटन है, तो इन दोनों बटनों को ना एक साथ प्रेस करना है। ओके, तो आप देख सकते हो आप एक ऑप्शन खुल चुका है हमारे पेज पे काफ़ी बढ़िया तरीके से। आप कुछ नहीं करना, आपको 1, 2 स्टार्ट टीवी का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आके ये बटन प्रेस करना है। इसके बाद ये पूछेगा स्टार्ट टीवी, तो आपको फिर से एक बार यस करना है। जी हाँ गाइस, अब ये फिर वाइवा का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, लोडिंग मतलब अब लोड हो चुका है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ईजी स्टेप्स है इसमें, कोई ऐसी बहुत बड़ी बातचीत नहीं है इसमें, तो काफ़ी इजी स्टेप के साथ एक बच्चा भी फॉलो कर सकता है इसे, और काफ़ी इजी तरीके से इसको ऑन कर सकते हैं। तो आप इंट्रो आप लोग देख सकते हो आंखों के आगे, तो चलिए मैं पूरा आपको इंट्रो दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें बताऊँगा। टाइम लगेगा इसको थोड़ा बहुत, मतलब 1 से 2 मिनट या 1.5 मिनट भी कह सकते हैं। ओके गाइस, तो आप तो देख ही सकते हो कि जो अपना एंड्रॉइड पेज है ना खुल चुका है, आप जो आपका सिंपल टीवी है ना वो एंड्रॉइड टीवी में चेंज हो चुका है। और आप लोग देख ही सकते हो कि YouTube, Play Store, Netflix वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो, फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो, वीडियोस वगैरह देख सकते हो, और वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो सेटिंग में जाके, ब्लूटूथ वगैरह भी, और एप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो आपको जाहिर सी बात है प्ले स्टोर से। तो सो गाइस, एक बात का और ध्यान रखना आपको, जो आपका ये एंड्रॉइड पेज है ना इसको आप एक्सेस करने के लिए ना ये कंट्रोलर नहीं चाहिए, इसके लिए इसको रिमोट चाहिए इसका खुद का, जो कि आपके गेम बॉक्स के अंदर मिलता है। जी हाँ गाइस, ये इसी के एसेसरी का हिस्सा है, और ये इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने एंड्रॉइड टीवी को कंट्रोल कर सकते हो इस गेम बॉक्स से, जो आप कन्वर्ट होगा एंड्रॉइड टीवी। तो चलिए इससे एक्सेस करते हैं इसको, और नीचे देख सकते हैं आप लोग, यूट्यूब में प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो गाइस पहले ये वाईफाई मांग रहा है, तो चलिए मैं वाईफाई भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको पासवर्ड वगैरह डाल के। तो आप देख ही सकते हो सब कुछ आंखों के आगे आपके, नेटवर्क में चले जाना आपको यहाँ पे वाईफाई, आप लोग देख सकते हो कि मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है, और चलिए अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपने वाईफाई को काफ़ी इजी तरीके से। आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने इंटरनेट को ज़रूरी नहीं है वाईफाई का, मतलब हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से, और कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली आप लोग देख सकते हो। तो चलिए गाइस, बैक करते हैं इसको फटाफट, वाईफाई हमारा इजीली कनेक्ट हो चुका है इससे। ओके, तो अब हम बैक आ जाएंगे और यूट्यूब चला के देखेंगे।
अब हम चले जाते हैं YouTube वाले सेक्शन पे। ओके, YouTube सेलेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ओके, तो आ चुका है YouTube का लोगो, अब लोग देख सकते हो साइन इन का ऑप्शन आ चुका है गाइस और YouTube का पेज खुल चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे एंड्रॉइड टीवी में होता ना, बिल्कुल वैसा सेम ऐसा ही सेम ऑप्शन मेरे टीवी में भी आता है बिना गेम बॉक्स के। और आप लोग देख सकते हो अब ये YouTube अपना साइन इन करके आप लोग बढ़िया वीडियोस देख सकते हो, आपके आंखों के आगे आ चुका है सब कुछ काफ़ी बढ़िया तरीके से। सो गाइस कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करके आप लोग देख सकते हैं इसको और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियो देख सकते हो। जो सिंपल टीवी था ना वो एंड्रॉइड टीवी बन चुका है और आप इजीली कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह देख सकते हो। मैं वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ। ओके, चलिए प्ले करते हैं वीडियो को। प्ले कर दिया कि जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने। ओके, आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़े तरीके से प्ले हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको बैक कर देते हैं नहीं तो कोई कॉपीराइट मार देगा बहन का टका। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा बैक कर दिया मैंने इसलिए सीधा होम आ चुका है। तो गाइस अब एक और चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। अब तो YouTube चला के तो मैंने दिखाई दिया है और अब मैं और चीज़ आपको चला के दिखाने वाला हूँ कि आप जो ये गेम फाइल्स है ना एमलेट, मतलब जो अपना गेम बॉक्स है इसकी जो गेम फाइल होती है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप गेम वगैरह अगर आपको देखने हैं कि कौन सी फाइल्स में आपके गेम पड़े एमलेटर वाले जो आप खेलते हो अपने गेम बॉक्स के जरिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल्स में जाके ई रोम्स करके ऐसे एक फोल्डर होता है उसमें जाके आप लोग देख सकते हो। आप लोग यहाँ आके देख सकते हो ये जैसे कि अपने एमलेटर्स है ना उन सब के गेम आपको इन फाइलों में मिल जाएंगे। काफ़ी इजी तरीके से आप लोग देख सकते हो उनको कहीं पे भी जाके। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक खोल के दिखाता हूँ। हाँ, नीचे जाते थोड़ा और नीचे। ओके, मैं दिखाता हूँ PS1 या PSP को खोल के, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े एमलेटर है, सबसे खतरनाक गेम इन्हीं के अंदर मिलते हैं। ओके 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 गाइस, तो आ चुके हैं हम लोग PSP और PSX पे। तो चलिए PSP में खोल के दिखा देता हूँ आपको कि गेम फाइल्स कहाँ है। ओके, आप लोग देख सकते हो गाइस सारे फाइल्स आपकी आंखों के आ गया है, आपको साइज़ वगैरह पता चल जाएगा। यहाँ से काफ़ी छोटे छोटे गेम इनके अंदर अपलोड करे गए हैं गाइस जो कि ये सपोर्ट कर जाते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा हैवी गेम्स इसके अंदर है नहीं मैंने देखा अगर इनको खोल के। सो गाइस, तो ये थी वो ट्रिक जिसके जरिए आप अपने गेम बॉक्स को एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो काफ़ी इजी तरीके से और सारी गेम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।